दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। मेरे पास है यहाँ पर रियलमी का C35 जो कि सी सीरीज़ का यहाँ पर सबसे नया वेरिएंट रियलमी ने निकाला है एंड इस बार इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसकी दोस्तों प्राइस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है एंड बात करें इसके कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2-2 मेगापिक्सल के यहाँ पर मैक्रो और डेप्थ आपको दिए गए हैं। दोस्तों सच में बताऊँ तो मैक्रो यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम का है नहीं है, इसकी जगह अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा देते तो थोड़ा यहाँ पर ठीक रह सकता था। उसके बाद 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है जिसमें कि आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, खाली 720p तक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों फटाफट से यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें 50 मेगापिक्सल की ऑप्शन आपको अलग से देखने को मिलती है, प्रो मोड है, नाइट मोड है एंड मैक्रो की यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिसको कि मैं आपको बाद में यहाँ पर दिखाऊँगा। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की बैक कैमरे से तो मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट खींचा है, इसमें आप देख सकते हैं फुल एचडी 30 फ्रेम तक आप यहां पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड आपको अभी मैं सैंपल आगे दिखाऊंगा। उसके बाद फर्स्ट फोटो आप देख सकते हैं जो पूरे 50 मेगापिक्सल से मैंने ली थी, तो इसमें थोड़ा सा ग्लिच है आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरे हाथ से ये कैमरा थोड़ा हिल चुका था जब मैंने इस ये फ़ोटो ली है, उसके बाद कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये हर बार नहीं होता, कभी कभार ये हो जाता है। इसमें आपको 4x तक जूम देखने को मिल जाता है एंड बात करूँ जूम की तो इस प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये फ़ोन ओवरऑल यहाँ पर पैकेज के साथ आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये कैमरा सेंट्रिक कोई फ़ोन है, लेकिन इसको आप सस्ता आईफोन बोल सकते हो इसके डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद बात करें थोड़े लो लाइट कंडीशन की तो उसमें कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो एंड ये भी 50 मेगापिक्सल से लिया गया शॉट है। जूम करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है जितनी कि आपको दूसरे फ़ोन्स में देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये वीडियो मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फुल एचडी में ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 30 फ्रेम पर सेकेंड पर एंड एक्सपोज़र आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन ठीक ठाक यहाँ पर एडजस्ट कर लेता है थोड़ी लो लाइट एंड आप बोल सकते हो मीडियम जैसी कंडीशन में मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप लोग यहाँ पर देख सके एंड 4x यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा वीडियो में। तो जहाँ तक मुझे लगा कि वीडियो में 4x की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार सी आपको देखने को मिलती है क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ी एक्सपोज्ड हो जाती है, ज़्यादा ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड ठीक ठाक सी है मेरे ख्याल से। अगर आप बिल्कुल सनी डे में यहाँ पर लोगे तो थोड़ी सी यहाँ पर बेहतर आपको क्वालिटी देखने को मिल सकती है एंड बात करो स्टेबलाइजेशन की तो स्टेबलाइजेशन भी मुझे कुछ खास यहाँ पर नज़र नहीं आई। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें फ़िल्टर्स की तो कुछ इस तरीके के फ़िल्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आप डायनामिक रेंज की मैंने थोड़ी बात भूल गया था, तो डायनामिक रेंज उस फ़ोन की ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है एंड फ़िल्टर्स आप देख सकते हैं किस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी सारी ऑप्शंस है फ़िल्टर में, आप अगर यूज़ करना चाहे तो 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पर सेल्फी कैमरा की तो उसमें आप फुल एचडी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, खाली 720p तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड इसमें जो स्टेबिलिटी है वो देख सकते हैं आप किस तरीके की है। डायनामिक रेंज भी आप देख सकते हैं कि ठीक ठीक सी है, ज़्यादा दोस्तों मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो फ्रंट से आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स वगैरह काफ़ी सही निकल कर आते हैं एंड थोड़ी स्मूथनिंग सी लगती है आपको अपने फेस पर। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं फ़ोटोज़ पर, तो इसमें जो पोर्ट्रेट मोड है फ्रंट कैमरा में उससे आप काफ़ी अच्छी यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जैसे कि आप रिज़ल्ट देख सकते हैं एंड जो फेस है थोड़ा यहाँ पर मैं बोलूँगा आर्टिफिशियल सी लगती है फ़ोटो। वैसे तो हर रियलमी का फ़ोन कुछ इस तरीके से ही आपको कर सकता है एंड आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगर आप बिल्कुल ही यहाँ पर ख़राब कंडीशन में फ़ोटो लेते हो जहाँ पर सन बिल्कुल छुप चुका है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फ़ोटो आएगी जहाँ पर थोड़ी नॉइज़ है, फ्रंट कैमरा कैप्चर कर लेता है क्योंकि यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये एक बजट स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आप सनी डे में फ़ोटो लेते हो तो बिल्कुल कुछ आपको अच्छे रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सनी डे में फ़ोटो ली गई है लेकिन जो क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस कैमरे ने नहीं किया है एंड ये कुछ फ्लावर की फ़ोटो है जिससे कि आप अच्छे खासे रिजल्ट ले सकते हो पोर्ट्रेट मोड में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, कभी मिलेंगे और नए